Good morning. Thank you so much for your overwhelming response for my previous video on parts of speech. It's this response of you people which has encouraged me, motivated me to come up with this video. And today's video is focused on tenses. इस वीडियो में हम टेंसेस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. टेंसेस एक वाइड टॉपिक है अपने आप में. उसमें सारे टेंसेस एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है. वो अननेसेसरीली लॉन्ग हो जाएगा, 3 to 4 hours, एंड विल बिकम वेरी बोरिंग फॉर यू पीपल. तो बेटर वे है कि हम इन वीडियोस को पार्ट्स में बनाएं. सो टुडेज वीडियो विल बी टेंसेस पार्ट 1. In this video, we will be discussing present indefinite, past indefinite, and future indefinite. यहाँ पे तीन चीजें रिमार्केबल हैं. नंबर एक, हम टेंसेस को बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से डिस्कस करेंगे. जैसे जब मैं छोटा था तो मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के एंड में ता है, ते हैं, ती हैं, इत्यादि शब्द आते हैं. बट आई थिंक विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोस टीचर्स, बिकॉज ऑफ देम ओनली आई एम हियर, आई थिंक देयर इज अ बेटर वे टू लर्न टेंसेस, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग ऑफ टेंसेस. वो क्या होती है मैं भी आपको डिस्कस करूंगा. तो हिंदी में ट्रांसलेट करके लर्न करना जरूरी नहीं, आप इंग्लिश में ही लर्न करिए. नंबर टू, आप टेंसेस को कभी भी ऐसे लर्न मत करिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देन पास्ट एंड फ्यूचर. आप टेंसेस को हमेशा कंपैरेटिवली स्टडी करिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, एंड सो ऑन. दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न टेंसेस, एंड वेरी इफेक्टिवली यू विल बी एबल टू रिटेन ऑल द नॉलेज एंड यूज दिस टेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन. सो Tenses part 1 is going to deal with these three things: present indefinite, past indefinite, future indefinite. I think it's clear. इसके बाद मैं एक चीज और clarify कर दूं, actually that I should have done in the beginning itself, कि tense है क्या. Tense actually is what we call time. Time हमारे three होते हैं. What are they? Present time, past time, and future tense. Accordingly, we have three tenses: present tense, past tense, and future tense. अब past tense में हमारे इन्हीं tenses में ये three तो हैं ही, लेकिन further सब divided भी हैं, 4 categories each. Like let's talk about future. तो future हमारा indefinite भी होता है. Future indefinite क्या है वो मैं अभी discuss करने वाला हूँ. Future continuous भी है. फ्यूचर परफेक्ट भी है एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो फ्यूचर में हमारी 4 categories हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सिमिलरली प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एंड सो ऑन अबाउट पास्ट. दस वी हैव अ टोटल ऑफ 12 tenses. मैं आई विश आई हैड मोर स्पेस, तो मैं किसी भी चीज को रब ना करता, कंटिन्यूटी में उसको लिखकर चला जाता, बट यहाँ स्पेस लिमिटेड है. तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर करके, रिपीट कर करके देखें, रिवाइंड कर करके, और आप एक चार्ट पेपर पे टेंसेस का चार्ट बनाएं बड़ा सा. आज आपके 3 tenses हो जाएंगे, कल 6 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे, और 3 दिन में आपके 12 tenses हो जाएंगे. तो 12 tenses के होने के बाद उनका एक चार्ट बनाएं, उसके बाद आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे. और टेंसेस आपके एक बार हो गए तो समझिए आपके टेंसेस एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 3 topic तो अपने आप ही हो गए. फिर जंबल्ड सेंटेंसेस, एडिटिंग, ओमिटिंग, इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेस, ऑल थिंग्स विल बिकम ऑलमोस्ट सेंज, दैट्स चाइल्ड प्ले फॉर यू टू अटेम्प्ट. तो आज के टॉपिक पे आपको स्पेशल ध्यान देना है. अब हम ये 3 first tenses लेंगे, और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा प्रेजेंट, PRESENT, present indefinite. अब आप देखिएगा कि कैसे present indefinite को discuss करते ही past indefinite and future indefinite अपने आप ही हो जाएंगे. Present indefinite में first of all, when do we use this tense? हम इस tense को use कब करते हैं? For 3 situations में. Number 1, habit. Number 2, hobby. And number 3, profession.
हैबिट आई ईट बनाना समथिंग विच आई डू ऑन अ रेगुलर बेसिस रूटीनली दैट्स अ हैबिट आई ईट बनाना दैट्स अ हैबिट व्हाट्स माय हॉबी आई प्ले क्रिकेट दैट्स माय हॉबी देन प्रोफेशन आई टीच इंग्लिश तो ये तीन एग्जाम्पल्स हो गए हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अब इनसे हमें एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फर्स्ट वी हैव अगर रूल बनाने हो सब्जेक्ट देन वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना मैं वर्ब पे एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा ऐसा वीडियो के वर्ब में आप कभी लाइफ में मिस्टेक नहीं करेंगे बट यू मस्ट फर्स्ट इन्फॉर्म मी देन दिस इज ऑब्जेक्ट सो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिमिलरली सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगेन सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो ये तीन चीजें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिस्कस करते हैं आपको ये बात पता चल गया तो आप कभी ता है ते है ती है के चक्कर में नहीं पड़ेंगे अब हम आते हैं रूल्स पे तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूं एंड वी आर गोइंग टू फ्रेम द रूल्स व्हाट आर द रूल्स रूल नंबर वन या एक इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी टेंस जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं हियर वी आर गोइंग टू दिस हियर वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट राइट तो उसमें फोर कैटेगरीज हमारी हमेशा होंगी नंबर वन अफर्मेटिव नंबर टू नेगेटिव नंबर थ्री interrogative and number four interrogative negative तो ये फोर आपको बस यहां अब टेंसेस चेंज करने होंगे लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा बट अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्यों ये होता क्या है एक्चुअली ये अलग अलग सेंटेंस बनाने का तरीका है लेट मी गिव वन एग्जाम्पल अफर्मेटिव में आई प्ले क्रिकेट ऑल राइट सो दिस इज व्हाट वी कॉल अफर्मेटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सेंटेंस इन विच देयर इज नो नॉट नो व्हाई नो हाउ नो वेयर एटसेट्रा नो क्वेश्चन नो नेगेशन ना तो इसमें नॉट यूज होता ना कोई क्वेश्चन होता सिंपल फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस नेगेटिव में इसमें नॉट आ जाता है फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट play cricket all right abhi aap rules ke bare mein fikr mat kare main rules discuss karne ja raha hu abhi aap simply dekhte rahiye interrogative sentence mein interrogation dekho aapne kuch iska word suna hoga interrogate kiya ja raha hai interrogate means asking questions question puchna kisse to obviously interrogative mein questions puche jate hain for example I do not play cricket so yahan ho jayega do I play क्रिकेट अच्छा क्वेश्चंस भी दो तरीके से पूछे जा सकते हैं एक बोलते हैं हम जिसपे हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं जैसे मैंने किया डू बाहर आ गया तो इन अब यहाँ पे हिंदी का अगर हम करें ही टिपिकल जो मेरा स्टाइल था हमारे टीचर्स का कि इन वाक्यों को हम के शुरू में क्या शब्द आता है दैट इज क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ बट आई वुड नॉट रेकमेंड दैट मेथड मेरा तरीका दूसरा है आपसे भी ये कही है कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन पुल्ड आउट ऑफ द सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर निकाल दिया एंड दैट्स वन वे And the other way is WH word से शुरू होने वाले sentence like Why do I play cricket? Why do I play cricket? तो आप देख रहे हैं ये दो हो गए हैं मैं ब्लैक मार्कर ही यूज किए जा रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आप लोगों के लिए अब आई थिंक इट्स बेटर नाउ राइट अब आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये हमारे वन टू एंड थ्री तीन एग्जाम्पल हो गए अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी हो और नॉट भी हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे भी दो हो सकते हैं एक इस तरह का क्वेश्चन एक इस तरह का दोनों में नॉट लगाने की बात है नॉट लगाने में कोई इश्यू होता ही नहीं ये देखिए आप डू आई नॉट प्ले क्रिकेट और दूसरा हो सकता है
why do I not play cricket? अब मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार यहीं पे पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या इसमें से अपने रजिस्टर में आप लिख लीजिए इन एग्जांपल्स को, क्योंकि मैं इनको इरेज करने वाला हूं और इरेज करके रूल लिखने वाला हूं, उसके बाद आपको ये नहीं मिलेगा। या मैं कोशिश करता हूं इनके साथ ही रूल लिखने की। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे रूल बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस ये क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्रिकेट ऑब्जेक्ट। ये हमारा फर्स्ट रूल बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। इसमें वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर है, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, तो वहां पे एस और ई एस भी लगता है, उसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा, उसके बारे में परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो यहां पे हमारा रूल बना सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अगेन जहां एस और ईएस आएगा वहां पे हम डज लगा देते हैं, वो भी मैं सेपरेटली बताऊंगा। प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ये रूल हमारा बन गया। इन रूल्स को रूल नंबर टू, डियर स्टूडेंट्स, इन रूल्स को लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के ये रूल्स ही आपको बताएंगे किसी भी, आपको सेंटेंस रटने की जरूरत ही नहीं, आप रूल्स को रट लीजिए, समझ लीजिए रादर, सेंटेंस तो खुद से आ जाएंगे। व्हाट इज द रूल हियर, मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटा देता हूं जिससे मैं रूल को लिख पाऊं। देखिए इस वाले सेंटेंस में रूल क्या काम कर रहा है, ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, एच एंड वी स्टैंड फॉर हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस के शुरू में आ गया है, प्लस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है हमारा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी कैटेगरी हो गई इंटरोगेटिव में, ये रूल नंबर थ्री हो गया आपका, रूल नंबर थ्री। आई होप दिस इज क्लियर, बोर्ड थोड़ा छोटा है बट अगर आप ध्यान दे रहे हो तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। ये हमारा रूल नंबर फोर क्या बन जाएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, इसमें डब्ल्यू एच से, एच डब्ल्यू से पहले डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले जस्ट वाई आ जाएगा आपका, कोई चेंज है ही नहीं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है आपका, अगेन देयर इज नो चेंज, आपका सेम स्ट्रक्चर चल रहा है, पर सब्जेक्ट के बाद में आपका नोट आ गया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे फोर रूल्स हो सकते हैं, अफर्मेटिव का रूल अलग, नेगेटिव का रूल अलग, इंटरोगेटिव का अलग और इंटरोगेटिव नेगेटिव का अलग। अब मैं इस सब को इरेज करके इन रूल्स को थोड़ा नीट एंड क्लीन मैनर में लिख रहा हूं, उससे आप लोगों को भी बेटर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी मच मोर इफेक्टिवली, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मेरे को बार बार ये रब ना करना पड़े, इसमें टाइम भी लगता है और आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन भी होता है। सो नेक्स्ट टाइम यू विल मेक श्योर कि हम चीजें यहां पे टाइप होके आ जाया करेंगी, उसके लिए मुझे थोड़ा और टेक्स सेवी बनना पड़ेगा। और बीच में मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि टाइम जो है बहुत खराब चल रहा है कोरोना का, आप लोग स्टे इंडोर एंड स्टे सेफ। नाउ बैक टू द टॉपिक, तो हमने क्या डिस्कस किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने फोर रूल्स फ्रेम किए, एक अफर्मेटिव में, एक नेगेटिव में, एक इंटरोगेटिव में और एक इंटरोगेटिव नेगेटिव। ऑलराइट, आई होप माय राइटिंग इज क्लियर। देखिए राइटिंग इज समथिंग कि उसके बारे में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लैंग्वेज टीचर की राइटिंग अच्छी होनी ही चाहिए, बट नहीं है तो आई एम हेल्पलेस, बट आई एम ट्राइंग स्टिल टू इम्प्रूव इट। ये फोर कैटेगरीज हो गई, इनके फोर के रूल्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस अगर जरूरत है तो, प्लस ऑब्जेक्ट रूल नंबर वन,
अब आइए आप यहाँ पे नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स द रूल। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सॉरी हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली डू और डस ही होता है, तो हम यहाँ पे डू और डस ही लिख सकते हैं, डू और डस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड वाला भी वाई या वेयर वगैरह उसको डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं, प्लस डू और जस्ट अ मिनट डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके नीचे आए तो हमारा एक एक इनमें दोनों में से एक ले लेते हैं, तो लेट अस टेक दिस वन, सो डू एंड डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन लगाएगा जरूर, वो आप लगाना मत भूलिएगा, मैं शायद क्वेश्चन लगाना सब्जेक्ट लगाना क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था, बट डोंट कमेंट इट मिस्टेक यू पीपल। अब इनके एक एक एग्जाम्पल हम इनसे फ्रेम कर लेते हैं, अगेन सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक आई फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अफर्मेटिव, गो टू स्कूल, राइट, दिस टाइम आई हैव टेकन अ डिफरेंट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम यहां पे लाते हैं तो हमें डू और डस पहले लाना है, अब आई के साथ डू आएगा और डस आई के साथ डू आएगा बिकॉज आई इज फर्स्ट पर्सन, सो वी से डू आई गो टू स्कूल, ऑलराइट। देन नेक्स्ट इज हियर इट्स इंटरो, actually here we have committed one mistake, I just omitted this, this is not actually interrogative, this is simply negative, so we'll say I do not go to school, alright, and then we move on to the next one, this is actually interrogative, so do will come first, do I go to school, यहाँ पे question mark आएगा, या अगर आप इस वाले में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा why do I not go to school। अब हम बात करें लास्ट वाले की तो यहाँ पे इंटरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, लेट्स टेक दिस वन, सो do I not go to school, that's it। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट कवर हो गया पूरा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात हाईलाइट कर दूं, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम उसको कर ही लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आप पास्ट इंडेफिनिट से रिप्लेस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह जब पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, तो आपको सिंपली एक काम करना है कि फर्स्ट फॉर्म की जगह आप सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म विल बी रिप्लेस्ड विद सेकेंड फॉर्म, और एक काम और आसान हो जाता है, एक्चुअली एस ओ एस की कोई जगह नहीं बचती, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ओ एस को भी देखना पड़ता है, बट व्हेन यू हैव पास्ट इंडेफिनिट इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट देन देयर इज नो नीड ऑफ एस ओ एस। तो पास्ट इंडेफिनिट में रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब चूंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो जब हम डू और डज यूज करते हैं तो डू और डज की जगह हमारा did use हो जाता है, do भी हट जाता है, does भी हट जाता है, only did is used। so, मैं फिर कह रहा हूँ इतनी आसानी से चीज होने वाली नहीं है, बेहतर है कि आप वीडियो को पॉज करते रहें और बीच बीच में इन चीज़ों को लिखते रहें और अपना एक चार्ट बनाएं, प्यारे बच्चों मेरे पास इतना बड़ा स्पेस नहीं है, आप चाहेंगे तो मैं अलग से चार्ट डिस्कस कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आपको यहाँ पे। अब आप पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में आएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
जब आप पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव में आएंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, जहां डिड नहीं होगा केवल वहां सेकंड फॉर्म आएगी। और जब इंटरोगेटिव नेगेटिव में आएंगे तो अगेन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दैट इज हाउ वी यूज पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं पास्ट इंडेफिनिट के एक दो एग्जांपल्स क्विकली आपको बता दूं, उसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। आई होप रूल्स आपके सामने रहेंगे ही। लेट मी यूज अ लिटिल बिट ऑफ वाटर टू इरेज दिस मोर इफेक्टिवली। इसमें बच्चों आंस एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस आर द की टू लर्निंग दीज थिंग्स इफेक्टिवली। आप जितना ऐसे एग्जांपल्स करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतने आपकी फिंगर टिप्स में ये चीजें आ जाएंगी। अगर आप सोचेंगे कि नहीं बस रूल्स रट लिए काफी हुआ, तो देखिए वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। आफ्टर अ व्हाइल यू विल फॉरगेट इट एंड इट विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो मेरा सजेशन है कि डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, सेंटेंसेस कीजिए। अब आप देखिए इन तो हम कर रहे हैं अब पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने सेंटेंस बनाया था आई प्ले क्रिकेट। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा आई प्लेड क्रिकेट। अगर इसमें नेगेटिव लाना है तो आई डिड not play cricket। अगर इसमें आपको interrogation लाना है तो did I play cricket। और अगर आपको interrogative या एक और भी हो सकता है where did I play cricket। और अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाने हैं तो फिर आप वेयर डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कवर किया। मैं बाद में एक साथ बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा ही, बट आई थिंक नाउ रूल्स वाइज वी हैव डिस्कस्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। अब जहां तक फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है, इसको हम मिटाएं तो नहीं, इसको मिटाते नहीं है, इसको मेंटेन रखते हैं आई प्लेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में होगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में देखिए आप रूल क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस will या shall plus first form of the verb plus object। ये तो इनफैक्ट सबसे ही easy टेंस आपका होता है। बच्चों टेंसेज में मैंने एक बार देखी, अगर कोई सबसे इंटरेस्टिंग सबसे आसान टॉपिक आपका है तो टेंसेज है, जो कि बहुत फाउंडेशनल भी है, बट अगर आप इस पर ध्यान ना दो तो सबसे कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है, बनते देर नहीं करते। तो यहाँ पे will shall आ जाएगा। अब will और shall का क्या यूज होगा, बोलने में तो हम बहुत फर्क करते नहीं है, will ही मोस्टली यूज करते हैं, बट ग्रामर में हमेशा आई एंड वी के साथ शेल का यूज होगा, बाकी सब के साथ विल का यूज होगा। आई रिपीट, आई एंड वी के साथ हमेशा शेल का यूज होगा, बाकी सब के साथ आपका विल का यूज होगा। सारी चीजें मैं लिख नहीं पा रहा हूं, बट आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। अब सपोज ये सेंटेंस है आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। यह आपका बन जाएगा आई विल, अब सॉरी आई के साथ आप विल यूज नहीं करेंगे, आई के साथ आप शेल यूज करेंगे, आई शेल नॉट प्ले क्रिकेट। अगर डिड आई प्ले क्रिकेट है तो डिड की जगह आप सिंपली शेल, शेल आई प्ले क्रिकेट। अगर वेयर डिड आई प्ले क्रिकेट है तो आप सिंपली डिड की जगह शेल, वेयर शेल आई प्ले क्रिकेट। और वेयर डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, सो डिड की जगह आप वेयर शेल I not play cricket. This is as simple as it. Now, I'm gonna
रब इट ऑल, अब मैंने रूल्स डिस्कस कर ही लिए हैं, अब मैं सिर्फ और सिर्फ दो तीन एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, और उन एग्जांपल्स को अगर आप देख लेंगे तो अब तक आपसे कोई मिस्टेक या कोई ओमिशन हो भी गया है वो सब बड़े आराम से कवर आपका हो जाएगा। अब देखिए आप, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली सम एग्जांपल्स एंड नथिंग एल्स। I eat, what do I eat? Mango. I eat, आजकल तो fruits भी खाना बड़ा risky हो गया है, आप वीडियो देख ही रहेंगे कहीं करेंगे। Anyway, I eat mango. अभी ये sentence incorrect है, do you know why? Because of this punctuation. Unless you put a full stop against it, after it, the sentence remains incomplete and incorrect. So I eat mango, ये हमारा present indefinite हो गया। अब इसको past indefinite में कैसे ले जाऊं? I eat mango, I eat mango, actually अभी भी sentence correct है, या तो आप कहिए I eat a mango या I eat mangoes, तब जाके आपका, तो हम करेंगे I eat a mango, ठीक है? अब sentence correct है article place करने के बाद। I eat a mango, I ate a mango, अब हम इसको future indefinite में ले जाना चाह रहे हैं, तो I shall eat a mango, alright, अब यह हो गया present indefinite, यह हो गया past indefinite, यह हो गया future indefinite, अब इन तीनों को हम अगर negative में ले जाना चाह रहे हैं, तो पहले इसको देखिए आप, right here, I do not eat a mango, अब हम इसको in that negative ले जाना चाह रहे हैं, तो I did not eat a mango, and ये हो जाएगा आपका I shall not eat a mango. अब next step is आप इसको interrogative में ले जाइए, negative तुमने कर दिया, interrogative में कैसे जाएगा ये? Let's see here. ये पहले indefinite वाले को लेते, present वाले को लेते हैं, so I do not, नहीं inter ये negative हम already कर चुके हैं, now we are going to do interrogative. Do I eat a mango, right? And question mark. And इसका यहाँ पे ate है तो do का did बन जाएगा. Did I eat a mango? और इसका shall I eat a mango? Well, this is interrogative negative दोनों हैं तो why do I not eat a mango? Or why did I not eat a mango? Or where shall I not eat a mango? Again, without using the board, let me take one sentence. उसको सब में हम घुमा के देख लेते हैं. The sentence is, I teach English. This is present indefinite affirmative. Negative now, I do not teach English. Interrogative, do I teach English? Interrogative negative, do I not teach English? अब इस sentence को हम past indefinite पे ले जाते हैं. तो second form, I taught English. Negative, I did not teach English. Interrogative, did I teach English? Interrogative, negative, did I not teach English? Or why did I not teach English? Now again take it back to the affirmative and in future. Future indefinite affirmative. I shall teach English. Or I shall not teach English. Or shall I teach English? Or shall I not teach English? So this is the how we can deal with the topic of tenses, and this is how we today discuss three tenses: present indefinite, past indefinite, and future indefinite. I wish we had more space, it would have been much more beautiful presentation, but we don't have that, and we have to make do with whatever we have. So dear students, practice is the key. Aap baar baar is video ko pause kariyega, jo cheeze important lage likhiyega, ho sakta hai yahan badi clarity na dikhai di ho, but meri maine jo bola hai uske usse aap cheezon ko likh hi sakte hain. My suggestion is
कि आज इन तीनों टेंसेस का आप एक चार्ट बनाना, इनके रूल्स को अलग अलग लिखना, अफर्मेटिव का रूल, नेगेटिव का रूल, इंटरोगेटिव का रूल, इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, देन रूल्स एंड देन एग्जांपल्स। जहाँ प्रॉब्लम आए वहीं रुक जाना, अपने आप गूगल पे कहीं भी सर्च करना, आपके पास ग्रामर बुक होगी ही बुक्स। अगर फिर भी बात ना बने तो लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आप वहाँ पे लिख देना कि सर दिस इज़ आवर प्रॉब्लम, मैं उस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी बेसिस पर एड्रेस करूँगा। टुमारो वी विल कम बैक विद अनदर वीडियो विच विल बी टेंसेस पार्ट टू एंड विच विल फोकस ऑन कॉन्टिन्यूस टेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। Keep watching these videos in proper sequence to be able to understand them better. Till then, stay indoor and stay safe. All the best.